हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के जेड थिएटर ग्रुप में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्टिंग एडवाइस बाय वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर बाय बॉलीवुड एक्टर्स। दोस्तों, अक्सर आप जब भी आप एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, जब एक बिगिनर होते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है फिल्म अभिनेता बनने के लिए आपको किन टिप्स की ज़रूरत पड़ती है? किन किन एक्टर्स ने जो जिन्होंने मेहनत करी है, जो ज़मीन से उठकर आसमान पर आए हैं, उनमें कई सारे अभिनेता हैं। यहाँ पर जो टिप्स दी गई है, ओम पुरी साहब हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, राजकुमार राव हैं। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो जिन्होंने थिएटर किया है, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं। एक्टिंग टिप्स बाई डायरेक्टर इम्तियाज अली। चीज़ जो बहुत मुझे लगती है कि एक्टर्स को पता होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि एक्टिंग इम्प्रोवाइज़ करेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज़ करनी है, कि आप डायलॉग अगर कुछ अलग तरह से बोल दोगे या वर्ड्स को उल्टा ऊपर नीचे कर दोगे तो उसमें आपकी महारत है एज एन एक्टर। एज एन एक्टर यू हैव टू से द लाइन दैट इज़ रिटन इन डिफरेंट वेज़। एक्टिंग प्रोसेस बाय जयदीप अहलावत। अगर आपका भाव सही है, थॉट प्रोसेस सही है, तो मैं आपको हंसते हुए भी अगर गाली दूंगा ना तो गाली पहुंच जाती है, अगर हंसते हुए भी धमकाऊंगा तो भी धमकी पहुंच जाती है। तो मैं शब्दों पे नहीं जाता हूं, फिर मेरी तैयारी में कोशिश रहती है कि मैं शब्दों पे ना जाऊं। शब्द हम सब बोल लेते हैं, भाव छूट जाता है, थॉट प्रोसेस छूट जाता है। अगर थॉट सही है तो आपका एक लुक आपके बिना बोले सब कुछ बता देता है। एक्टर ओम पुरी। क्योंकि जब आप कोई किरदार निभा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो, आपको पता है कि आप लोग बैठे हैं सामने, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप ओम पुरी हो, लोगों को एक किरदार दिखा रहे हो अपने शरीर के ज़रिए, अपने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। लेकिन किसी भी नाटक में या फिल्म में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप अपने को भूल जाते हो, तब आप जो है आप नहीं रहते, आप वो किरदार बन जाते हैं। और असल में एक्टिंग की ऊंचाई वो है जब आप वो बन जाएं। बेस्ट एक्टिंग टिप्स फॉर बिगनर्स एक्टर बाय जब मनोज आपको ये वाजपेयी। लगना शुरू हो जाए कि बिना एक्टिंग के आप जी नहीं पाओगे, तब आपको उस दिशा में बढ़ जाना चाहिए। एक इंजीनियरिंग में लड़का है, अभी मिला था मुझे बैंगलोर में, उसने कहा कि सर मैं कर तो रहा हूँ अपने फादर के लिए ये कोर्स, लेकिन मैं वापस मैं लेकिन निकलते के साथ ही मैं थिएटर करने लग जाऊँगा, मुझे नहीं करना है। तो मैंने कहा कि अच्छे से कर लो अगर करना चाह रहे हो इंजीनियरिंग तो, और दूसरी बात कि आप सोचो पहले कि क्या सच में बनना चाहते हो। तो उसने कहा सर हम मैंने सोच लिया सर मैं यही बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक्टर ही बनना चाहते हो, कल को तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा इस फील्ड में जाके, फिर क्या करोगे, ना तुम इंजीनियर रहे ना तुम एक्टर रहे। उसने कहा सर एक्टर अगर नहीं बना तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा सर। तो जब इस तरह की सोच आए ना बॉस, तो समझ लेना कि तुमको एक्टर ही बनना है। लर्न एक्टिंग बाय मनोज वाजपेयी। मुझे हमेशा लगता था कि लोग डायलॉग ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे कि सबके सबके अंदर में इतनी अकड़न क्यों है, सब नेचुरल क्यों नहीं होते हैं, सब रियल ढंग से बात क्यों नहीं करते, हम आपस में जैसे बात करते हैं वैसे लोग बात क्यों नहीं करते, जैसा व्यवहार हमारा आपस में होता है हम वैसे बात क्यों नहीं करते, ये लोग क्यों कैमरे के सामने आते ही कुछ इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि किसी और ग्रह के प्राणी। परफॉर्मेंस जो है वो बहुत यथार्थ की तरह से होना चाहिए, वो रियल की तरह से होना चाहिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी तकनीक को बहुत अच्छा सीखें। अभिनय एक तकनीक है, अभिनय एक शैली है, एक क्राफ्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए सीखना पड़ता है, वैसे ही अभिनय भी करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, वो सीखना आपका जिंदगी भर चलता रहता। इम्प्रोवाइजेशन इन एक्टिंग पंकज त्रिपाठी। अगेन इम्प्रोवाइज करना एक कमाल की चीज़ है, हम सब लोग जानते हैं ये शब्द के बारे में कि इम्प्रोवाइजेशन होती है, एक्टर करते हैं सिंगर करते हैं, ज़्यादातर ये दो लोग बात इम्प्रोवाइज करना कि ये स्क्रिप्ट ये थी या राग ये था, धनुष्री थी, तोड़ी थी, मल्हार था, कुछ भी था, कोई भी राग था, और सिंगर अगर उस राग पे उसकी पकड़ जबरदस्त है तभी वो इम्प्रोवाइज कर सकता है। वैसे ही एक्टर की जब पकड़ सीन पे
और वो कंटेंट पे और उसके इमोशंस पे पूरी है, तभी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज अधकचड़े में नहीं हो सकता, फिर वो गुड़ गोबर हो जाएगा। बहुत पकड़ चाहिए अपनी क्राफ्ट पे कि वो लगे इम्पल्सिव है, इसी सीन का हिस्सा है, और सीन को एलिवेट कर दे, सीन को उठा दे, इंटरेस्टिंग बना दे, रोचक बना दे, आउट ऑफ द बॉक्स ना लगे। एक्टिंग टिप्स बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुझे एक्टिंग का शौक है। मैं अगर मुझे सिनेमा में एक्टिंग ना मिलती काम करने के लिए, तो मैं स्ट्रीट प्ले करता या ग्रुप बना के प्ले करता, थिएटर करता वापस से। मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं कहीं भी कर लूँगा, है पैसों ना। का नहीं था। पैसों को तो आज भी शौक नहीं मुझे, पैसों पैसों पैसे तो सी मुझे पैसे का इसलिए शौक नहीं, मुझे पैसा चाहिए। मैं खुद को इस काबिल करूँ कि पैसा पीछे क्या हो, पैसा पीछे भागे आपके। क्या है ना कि पैसे के पीछे आप भागते रहोगे ना, कभी नहीं आएगा आपके हाथ में। आप हमेशा ज़िंदगी भर पकड़ते रह जाओगे, कहीं से थोड़ा बहुत हाथ आएगा यहाँ पे, फिर जुड़ जाएगा, फिर भागेंगे आप, पूरी ज़िंदगी चलता रहे। मैं इस तरह की अप्रोच पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ कि आप अपने आप को इस लायक करो कि पैसे वाले लोग आपके पास खड़े रहें। एक्टिंग टिप्स बाय राजकुमार राव। अगर आपको एक परफॉर्मेंस अच्छी लगी है किसी एक्टर की, देन ट्राई एंड डू सम रिसर्च अबाउट इट, बिकॉज उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कैप्टन फिलिप्स में टॉम हैंक्स का एक लास्ट सीन है, जब उनको हॉस्टेज से छुड़ा लिया जाता है, एंड ही जस्ट लाइंग ऑन द बेड अलॉन्ग विद सम डॉक्टर्स, एंड देयर इज अ फीमेल डॉक्टर हु इज चेकिंग ऑन हिम कि आप सब ठीक है कि नहीं। आई थिंक द वे ही हैज बिहेव्ड, आई स्टिल गेट लाइक गूज़बम्प्स थिंकिंग अबाउट इट। और इरफान सर इन लाइफ ऑफ पाई, उनकी जो एक लास्ट स्पीच है, जो ऐसा कुछ जो बोल रहे हैं, वो बहुत ट्रूथफुल है मेरे लिए। You know, I've left so much behind. My family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. De Niro in Taxi Driver, when he's standing in front of the mirror, it just, of course, that's an improvised line. You're talking to me. Yeah. You're talking to me? You're talking to me? तो दोस्तों समझ में आया कि किस तरह से एक्टिंग एडवाइस इन एक्टर्स के द्वारा दी गई है। ये वीडियो हमारे नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ आपको बताना है, लर्निंग है कि आप सीखें किस तरह से आपको, अगर आपको एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो आपको इन एक्टर्स की एडवाइस को समझना होगा, अपने क्राफ्ट पर काम करना होगा। आप बिना एक्टिंग ट्रेनिंग के एक्टिंग नहीं सीख सकते, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने क्राफ्ट पर काम करना चाहिए, चाहे आपकी वॉइस हो, चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो, चाहे आपके लुक पे हो, आपको हर चीज़ पर काम करना पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन एक्टर बनकर सामने आएंगे।